चैनल पर नए देखे सब्सक्राइब का लाल बटन और बेल आइकन में जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे आज हम एक सब्सक्राइबर जो हमारे मेंबर हैं उनका हम कॉल लेंगे रिलायंस कैपिटल पर एक वीडियो बनाइए क्या इस टाइम इस पर से लिया जा सकता है इसका रिटर्न कैसा रहेगा तो चलिए हम रिलायंस कैपिटल के बारे में आज बात करेंगे और पहले जानते हैं कि क्या करना चाहिए वेबसाइट पे हम पधार चुके हैं और अनिल धीरू भाई अम्बानी ग्रुप की कंपनी है और जैसा कि आप सबको मालूम है कि ए ग्रुप की यानी अनिल भाई की जितनी भी कंपनियां हैं उन पर सब पे ग्रहण लगा हुआ है और अपने हाई से बहुत टूट चुकी हैं चाहे आरकॉम हो चाहे और भी जितनी कंपनियां हैं इनकी इसी प्रकार इनकी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड जो कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है या कह सकते हैं कि कई प्रोडक्ट्स जैसे जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड्स और जनरल इंश्योरेंस इस प्रकार के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं वो सारा कारोबार रिलायंस कैपिटल जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है तो आप समझ गए होंगे बेसिक प्रोडक्ट यही थे जो हमने बताया आज ये बासठ रुपये के भाव पे ट्रेड कर रहा है और इस पे सबसे जो खास बात है वो मैं बताना चाहूँगा कि इनकी इस कंपनी ही एक ऐसा बेहतर प्रदर्शन कर रही थी लेकिन अचानक जो इनके सी ए हैं पी एन डब्ल्यू सी उन्होंने रिज़ाइन दे दिया क्विट कर दिया और ये आ, हवाला देते हुए कि कंपनियों में अंदर कुछ बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही हैं अकाउंटिंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जा रहा मैनेजमेंट की तरफ से या फिर बोर्ड की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है उस पर उनको जवाब नहीं मिल रहा है ऐसे कई कंपनियों के साथ होता है जब अंदर अंदर कोई धांधली चलती है ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा ये न्यूज़ में है वो मैं बता रहा हूँ आपको तो रिलायंस कैपिटल में जो मैनेजमेंट में अंदर चल रहा था और जो इनके अकाउंटेंट थे एक दिग्गज कंपनी है अकाउंट के उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो उन्होंने क्विट कर दिया और उन्होंने काफ़ी आरोप लगाए कि इस वजह से अंदर क्या कुछ चल रहा है बहुत घटित हो रहा है इसलिए हम रिज़ाइन कर रहे हैं और उन्होंने कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री को इन्फॉर्मेशन भी दे दी इस कंपनी के बारे में इस वजह से जो शेयर धारकों का विश्वास टूटा और उसी दिन कम से कम कई परसेंट डाउन हुआ था ये जून की बात है 11 जून के आसपास की तो इस प्रकार से अब कैसी स्थिति है अभी तो साल का जो भाव था उससे नीचे बहुत आ चुका है तो हम देखेंगे फाइनेंशियल भी देखेंगे और स्टॉक प्राइस भी देखेंगे हम रिटर्न्स भी देखेंगे शेयर पैटर्न भी देखेंगे तो बात करते हैं चलिए अगर रिलायंस कैपिटल जैसा कि अभी हमने देखा बासठ रुपये नब्बे पैसे के भाव पे ट्रेड हो रहा है और साल का जो हाई था चार सौ सत्तासी रुपये लो बनाया था इसने पचास रुपये फिफ्टी नाइन के आसपास और आज है एक जुलाई दो हज़ार उन्नीस दो बज रहे हैं और ये देखिए अगर हम इसमें चलते हैं तो एक साल पहले यहाँ से लगातार नीचे गिरता हुआ गिरता हुआ, हुआ ये यह यहाँ पे लो बनाया था अभी जो स्थिति है मार्केट कैपिटल रह गया है पंद्रह करोड़ का ई पी टू है पी रेशो वन प्राइस टू बुक 0.09 इंडस्ट्री पी 33 के जबकि और डिविडेंड पे करता है ज़बरदस्त डिविडेंड पे किया था बुक वैल्यू है छः अब आपको लग रहा होगा जो नए हैं जो जो कंपनी के बारे में नहीं जानते कि मान लीजिए कोई फ्रेशर है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है एंटर करना चाहता है उसने एक कंपनी को देखा मान लीजिए कुछ फंडामेंटल्स भी जानता है तो उसने क्या सोचा कि जिस हिसाब से कंपनी का ई है जिस हिसाब से प्राइस टू अर्निंग है प्राइस अर्निंग रेशियो है जिस हिसाब से बुक वैल्यू है जिस हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू है और आ, फेस वैल्यू अभी दस की है इस प्रकार से स्टॉक बहुत सस्ता लग रहा लेकिन नहीं वहीं पे गलती कर देते हैं रिटेल निवेशक हमें ये नहीं देखना हमें इसका पास्ट भी चेक करना है कि क्या हुआ था कंपनी का कितने साल पुरानी कंपनी है और अभी वर्तमान जो स्थिति है पहले कैसी क्या सिचुएशन थी इसकी वो सारी बातें देख के हमें निवेश करना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ निवेश करना चाहिए ट्रेडिंग के बाद इंट्रा की बात मैं नहीं कर रहा तो डिलीवरेबल देखिए अभी फोर है जो कि बहुत ही कम है सब लोगों ने बेच बेच के अपने शेयर्स लगता है निकल गए और जहाँ तक मैं रिजल्ट्स की बात करूँ तो बैलेंस शीट पे अगर हम आते हैं नेट से देखिए दिसंबर अठारह यानी कि अभी मार्च उन्नीस के क्वार्टर फोर के रिज़ल्ट नहीं आए हैं फाइनेंशियल ईयर टू के क्योंकि जब सी ए छोड़ के चले गए हैं तो ऑडिट अभी कौन कर रहा है कितना समय लगेगा वो अभी देखने वाली बात है लेकिन फिर भी हम इनके जो है पुराने फाइनेंशियल ही देखेंगे अगर हम शेयर होल्डिंग कंपैरिजन देखते हैं तो प्रमोटर्स के पास जो 47.48 परसेंट की शेयर होल्डिंग पॉइंट है उसी में से 96 मतलब 97 आप समझिए जब तीन परसेंट कंपनी हंड्रेड परसेंट गिरवी रखा हुआ है तो बचा क्या कंपनी में सब कुछ तो गिरवी रख दिया आपने दाव पे लगा दिया म्यूचुअल फंड्स की बाईस स्कीम्स हैं या थी फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और थ्री uh, थे हैं ट्वेंटी परसेंट के आसपास की होल्डिंग और इंडिविजुअल 17.19 परसेंट की जो करंट सिचुएशन मार्च 19 की है यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें रिटर्न वाइज अगर हम देखते हैं तो बहुत ही हालत ख़राब है दस साल को छोड़ दीजिए दस साल में तो नाइन्टी परसेंट अगर आपने एक लाख रुपये लगाए थे तो आपका सिर्फ सात हज़ार बच रहा है पाँच सालों में भी नाइन्टी नेगेटिव में रिटर्न सारे नेगेटिव में रिटर्न है चार सालों में एट्टी टू परसेंट का नेगेटिव थ्री ईयर्स में भी एट्टी फोर का नेगेटिव टू ईयर्स में भी नाइन्टी परसेंट का नेगेटिव वन ईयर में एट्टी थ्री मतलब एक साल पहले अगर आपने पैसे लगाए थे तो भी एट्टी थ्री परसेंट के आसपास का नेगेटिव है ईयरटेल डेट यानी कि दो हज़ार उन्नीस में जनवरी में जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उनको करीब बहत्तर परसेंट का नेगेटिव रिटर्न है सिक्स मंथ में भी बहत्तर परसेंट थ्री में भी सिक्सटी नाइन मतलब सत्तर परसेंट और वन मंथ में पिछले मंथ यानी जून में जिन्होंने पैसा लगाया था उनका पैसा आधा हो गया है वन वीक में भी जिन्होंने लगाए थे उनका आठ परसेंट का नेगेटिव वन डे में जिन्होंने लगाया उनका पाँच परसेंट का नेगेटिव रिटर्न है तो लगातार आपको नेगेटिव रिटर्न मिला हुआ है जबकि एक साल पहले स्थिति कुछ और ही थी और अगर हम फाइनेंशियल देख लें इनके तो अभी हमें जो उपलब्ध मिल रहे हैं ईयर ऑन ईयर पे दिसंबर सत्रह से अठारह के नेट सेल्स में यहाँ पे 6.92 परसेंट की नेगेटिव रिटर्न थे लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 23 पॉइंट के आसपास परसेंट के आसपास अपसाइड है और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी देखिए ज़बरदस्ता अगर हम कंपेयर करते दिसंबर अठारह से दिसंबर सत्रह से दिसंबर अठारह में तो यहाँ पे तीन हज़ार चार परसेंट की नेट प्रॉफिट में थी और मार्जिन ओ भी यहाँ पर 7.34 परसेंट की मार्जिन भी मेंटेन किया हुआ था लेकिन अभी हम आ, इस कंपनी में भैया हम यही कहेंगे कि आप बिल्कुल भी हाथ मत जलाइए आप मत पैसा डालिए आप दूर रहिए एन की और भी अच्छी कंपनियाँ हैं उन पर ट्राई कीजिए उन पर देखिए इस कंपनी से आप दूर रहिए बस यही कहना था आपने जो सवाल पूछा था हमसे हमने उसका जवाब दिया और हालत ख़राब है इनके मैनेजमेंट की जबकि इन्होंने पिछले साल दो में ग्यारह रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी पे किया था और जो इनका टॉप सेगमेंट था पता ही आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बढ़िया है नो no डाउट और जनरल इंश्योरेंस फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से इस प्रकार से इनके कंपनी है सब कुछ अच्छा कर रही थी कंपनी लेकिन अंदर क्या चल रहा था ये हम किसी को नहीं मालूम रहता है। जब सी छोड़ के जा रहे हैं ऑडिटर ही छोड़ के भाग गए तो फिर कौन भरोसा करेगा तो चलिए मैं यहीं पे वीडियो वाइंड अप करता हूँ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अलर्ट रहें